आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पैनक्रियास, क्योंकि जो पैनक्रियास के जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो टाइप के सिक्रीशंस को रिलीज कर रही थी, या उसके अंदर दो टाइप के पार्ट्स फंक्शन कर रहे थे, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस भी हो रहे थे और एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी हो रहे थे। तो आज हम उन फंक्शंस को पढ़ेंगे कि एक्सोक्राइन से कौन कौन से एंजाइम वगैरह है वो रिलीज होते हैं, किस तरीके से वो पैनक्रियाटिक जूस कौन से सिक्रीशंस को रिलीज करता है, देन एंडोक्राइन के अंदर जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसमें कौन से एंजाइम वगैरह किस चीज को कैसे बैलेंसिंग करते हैं और किस टाइप से अपने सिक्रीशन से कौन सी चीज़ों को बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं, उन सारे के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है, या एंडोक्राइन जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन से उनकी बात करेंगे, है ना। एंडोक्राइन पार्ट फ्रेंड्स, एंडोक्राइन पार्ट के अंदर कुछ अल्फा सेल्स होती है, देन बीटा सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है, देन B2 सेल्स होती है। अब ये एंडोक्राइन के अंदर चार टाइप की जो सेल्स होती है वो अपने अलग अलग सिक्रीशंस को पैनक्रियाटिक के अंदर रिलीज करती है, देन वो कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, सबके फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट है। जो अल्फा सेल्स है वो क्या करती है, ग्लूकागोन को रिलीज करती है, ग्लूकागोन सीक्रेट करती है। देन जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज करती है, डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टैटिन को रिलीज करती है, देन जो ड्यूटो सेल है वो VIP यानी कि वेजो एक्टिव इनहिबिट पॉलीपेप्टाइड VIP। D2 जो सेल है वो VIP यानी वेजो एक्टिव इनहिबिट पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिलीज करती है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन रिलीज करती है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सीक्रेट करती है, एंड जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन को रिलीज करती है। तो इसमें से जो इंसुलिन है और जो ग्लूकागोन है ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, यानी कि जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है, इसी तरह से जो ग्लूकागोन है वो ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है और ग्लूकागोन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो जब भी ग्लूकोज के बैलेंसिंग की बॉडी में बात आएगी तब ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों ही फंक्शंस करते हैं, और इस टाइप से वो ग्लूकोज को कब कैसे मेंटेन करना है वो फंक्शन है। देन जो अल्फा सेल्स अल्फा बीटा की बात हुई, देन डेल्टा जो सेल है सोमेटोस्टैटिन ये क्या करती है, जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है यानी कि अल्फा सेल और बीटा सेल को के सिक्रीशंस जितने भी हैं उनको इनहिबिट करने का काम करती है, यानी कि जो ग्लूकागोन है और इंसुलिन है उसको इनहिबिट करेगा, जब भी मतलब इनहिबिशन या रोक उनके सिक्रीशंस को रोकने की बात आएगी तो जो सोमेटोस्टैटिन है वो वर्क करेगा और अल्फा बीटा के सिक्रीशन उसको वो स्टॉप कर देगा। देन जो ये D2 सेल है यानी कि वैसोएक्टिव इनहिबिटर्स इनहिबिट पॉलीपेप्टाइड ये भी ग्लूकोज के ही अंदर ये वर्क करते हैं। इस टाइप से ये जो है जितने भी सिक्रीशंस की बात की हमने अल्फा बीटा सेल्स और डेल्टा सेल D2 सेल्स एंडोक्राइन पार्ट के अंदर ये ग्लूकोज को किस टाइप से मेंटेन करते हैं। देन अब हम बात करेंगे कि कैसे ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज को मेंटेन करता है और कैसे कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं जो इंसुलिन होता है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज होगा बॉडी के अंदर जितना भी सेल्स के यूटिलाइजेशन के बाद या सेल्स के यूज हो जाने ग्लूकोज जितना चाहिए वो यूज हो जाने के बाद जो ग्लूकोज होगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो इंसुलिन क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये इंसुलिन है वो उसको उस जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के अंदर
कन्वर्ट कर देता है। और फ्रेंड्स जो ये ग्लाइकोजन है वो क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। और ये कहाँ पर, मसल्स के अंदर स्टोर होता है, इन मसल स्टोर, यानी कि जो मसल्स होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है। और जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन, जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये ग्लाइकोजन है वो क्या, स्टोर्ड फॉर्म में कहाँ पर, मसल्स के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। देन हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की, ग्लूकागन है ना। अब ये ग्लाइकोजन ये क्या होगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि जब भी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होगी किसकी, इन ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में जो भी ग्लूकोज है वो क्या होगा, ग्लूकोज के अंदर, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल उससे बढ़ जाएगा। देन अब सोमेटोस्टेटिन, अब सोमेटोस्टेटिन है वो क्या करता है, इंसुलिन प्लस ग्लाइकोजन को इनहिबिट करता है, यानी कि दोनों के सिक्रीशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की एंडोक्राइन पार्ट की, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोक्राइन पार्ट की, जो पेंक्रियास है उसके एक्सोक्राइन सिक्रेशन या एक्सोक्राइन जो पेंक्रियाटिक जूस है उसकी बात करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिनोजन, कौन कौन से सिक्रेशन प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड्स, देन प्रोलाइपेज, एलास्टेज, देन डीएनएस, आरएनएस, ये सब चीज़ें कहाँ, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जितने भी सिक्रीशंस हैं ये सब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पैनक्रियास के अंदर ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म। और ये कहाँ पर जाके एक्टिव होंगे, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाके, ड्यूडेनम पार्ट में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। पेंक्रियास के अंदर तो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको एंटेरोकाइनेस एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम, ये जितने भी सिक्रीशंस है ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड, प्रोलाइपेज, एलास्टेज, डीएनएस, आरएनएस, इन सब, ये सब क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के जो एक्सोक्राइन सिक्रेशंस होते हैं उसके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे इनको ड्यूडेनम के अंदर भेज दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके एक्टिवेशन के लिए एंटेरोकाइनेस नाम के एक एंजाइम की जरूरत थी, और जो ये है वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है वो इसको सीक्रेट या रिलीज करती है, इसलिए इंटेस्टाइन के अंदर सारे जाके एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिव होते हैं तो क्या होता है, जो ये ट्रिप्सिनोजन है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो क्या होगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसके द्वारा, एंटेरोकाइनेस के द्वारा, ठीक है, एंटेरोकाइनेस के द्वारा ये ट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा। देन जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये क्या होगा,
ट्रिप्सिन के द्वारा सॉरी काइमोट्रिप्सिनोजन है वो इंटरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ट्रिप्सिन में चोरी रहेगा काइमोट्रिप्सिन में काइमोट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन के द्वारा काइमोट्रिप्सिनोजन में चेंज हो जाएगा देन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड से है वो क्या होगा कार्बोक्सी पेप्टाइड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से प्रोलाइपेज है वो लाइपेज में चेंज हो जाएगा और एलास्टेज है वो डीएनए से आरएनए से ये सब इस तरीके से वन बाय वन अपने उसके एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। कहाँ पर इंटेस्टाइनल वॉल में या ड्यूडेनम में जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल होती है वो एंटेरोकाइनेस एंजाइम को रिलीज करती है देन ये एक्टिवेशन फॉर्म में आ जाते हैं ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर जाके कौन से जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूस के जितने भी सिक्रीशंस है वो सारे वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। फ्रेंड्स हमने बात की कि पेनक्रियास के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो दोनों पार्ट्स हैं या दोनों जिस तरीके से वो अपने सिक्रीशंस को रिलीज करती है उसके अंदर एंडोक्राइन जो पार्ट है वो अल्फा बीटा डेल्टा डी टू सेल्स होती है जिसके अंदर अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागन को रिलीज करते हैं देन बीटा सेल है वो इंसुलिन डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन और डी टू सेल होती है वी आई पी यानी वेजो एक्टिव इनहिबिट पॉलीपेप्टाइड इंसुल अल्फा बीटा ग्लू दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है देन सोमेटो जो डेल्टा सेल है जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है वो अल्फा बीटा सिक्रीशंस को इनहिबिट करने का काम करती है और डी टू सेल से वो अपने वी आई पी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। देन कैसे कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड फॉर्म होती है किसकी ग्लूकोज की जो कि मसल्स के अंदर स्टोर्ड होती है ठीक है। अब हमने बात की एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस है जो ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड प्रोलाइपेज एलास्टर आरएनए डीएनएस ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं कहाँ पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन सिक्रेशंस जब भी होते हैं तब जब ये ड्यूडेनम पार्ट के अंदर भेज दिए जाते हैं तब वहाँ पर ये एक्टिवेट फॉर्म में आ जाते हैं किसकी हेल्प से एंटेरोकाइनेज एंजाइम की और ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है जिसमें ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा काइमोट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट करेगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर ठीक है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में प्रोलाइपेज है वो लाइपेज में इस तरीके से सारे वन बाय वन अपने जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।